बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जी जान से जुट गई है। बीजेपी ने 5 चुनावी राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान किया है। देश की राजनीति में सबसे अहम रोल निभाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का मिशन 2022, 5 राज्यों में नियुक्त किए गए प्रभारी, धर्मेंद्र प्रधान को यूपी की कमान, गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का जिम्मा, प्रहलाद जोशी उत्तराखंड की संभालेंगे कमान, भूपेंद्र यादव को मणिपुर, देवेंद्र फडणवीस को गोवा का बनाया प्रभारी। बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जी जान से जुट गई है। बीजेपी ने 5 चुनावी राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान किया है। देश की राजनीति में सबसे अहम रोल निभाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी ने चुनावी टीम के जरिए जातीय और सियासी समीकरण साधने की कवायद की है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को भी लगाया गया है। यूपी में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समुदाय की है, जो सूबे की सियासत में अहम भूमिका अदा करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी के पाले में आखड़े हुए यूपी में सबसे ज्यादा आबादी वाले पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को साधे रखने के लिए जेपी नड्डा ने ओबीसी समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य में प्रभारी रहते हुए ओबीसी के बड़े तबके को पार्टी से जोड़ने का काम किया था। यूपी में ब्राह्मण की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा अब सरोज पांडे के कंधों पर होगा। सरोज पांडे बीजेपी की तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं और छत्तीसगढ़ से आती हैं। काफी लंबे वक्त से बीजेपी में संगठन का काम संभाल रही हैं। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए सपा से लेकर बसपा तक जुटी हैं और बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने सरोज पांडे के जरिए ब्राह्मण समुदाय को एक बड़ा संदेश देने की कवायद की है। यूपी के अलावा पंजाब चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। गोवा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई है। मणिपुर के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने, मार्च अप्रैल के बीच इन जगहों पर चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है। अभी इन 5 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को मिशन 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।